नाजरीने ग्रामी अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान फौज के फखर JF-17 थंडर लड़ाका हत्यारे ने अपनी कामयाबी के झंडे पूरी दुनिया में इस तरह गाड़ लिए हैं कि अब भारतीय फौज और भारतीय मीडिया को दिन रात सोते जागते भारतीय हदूद के अंदर JF-17 थंडर लड़ाका हत्यारे की गन गरज सुनाई दे रही है। इस हवाले से मैं आपको भारतीय मीडिया का एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर आपको इतना अंदाजा तो हो जाएगा कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाका हत्यारे ने किस कदर हमसाया दुश्मन मुल्क भारत की नींदें हराम कर रखी हैं। पाकिस्तानी फाइटर विमान LOC के बेहद करीब दिखा है, ये बात भारतीय वायुसेना की ओर से कही गई है। सुबह 7:45 यानी 7:45 के आसपास LOC के पास दिखा है पाकिस्तान का फाइटर विमान भारतीय सीमा में पाकिस्तान फाइटर के घुसने की। फिलहाल नाजरीने ग्रामी अब मैं आपको भारतीय मीडिया की खबर की हकीकत से आगाह करता चलूं। दर हकीकत पाक फौज और चीन की फौज के दरमियान जारी जंगी मशकों के दौरान JF-17 थंडर लड़ाका हत्यारे ने उड़ान भरी और उसकी घन गरज इनको भारत में सुनाई दी, जिस पर बुखलाहट का शिकार भारत ऐसी खबरें फैलाने पर मजबूर हो गया। और भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर फाइटर विमान LOC के पास दिखाई दिया है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास देखा गया है। बल्कि इसके साथ साथ ये खदशा भी जाहिर किया गया कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर फाइटर विमान भारतीय हदूद के अंदर आकर वापस गया होगा। दोस्तों, इस खबर के बारे में आप अपनी क्या आरार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए।